विक्टोरिया बोलती है, माँ माँ। मिसेस स्लेटर, क्या बात है बेटा? विक्टोरिया कहती है, दादाजी उठ रहे हैं। बेन कहता है, क्या? मिसेस स्लेटर, ये तुम क्या कह रही हो? विक्टोरिया, दादाजी उठ खड़े हो रहे हैं। मिसेस जॉर्डन, ये बच्ची बैग गई है। मिसेस स्लेटर, पागलों जैसी बातें मत करो, क्या तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं? विक्टोरिया, नहीं नहीं वो उठ खड़े हो रहे हैं, मैंने उन्हें देखा था। हैरानी की वजह से वो भौचक के रह जाते हैं। बेन और मिसेस जॉर्डन टेबल की बाईं तरफ को आ जाते हैं। विक्टोरिया मिसेस स्लेटर के साथ लिपट जाती है। टेबल की दाईं तरफ हेनरी फायरप्लेस के पास वो खड़ा हो जाता है। मिसेस जॉर्डन, अच्छा होगा अमिलिया तो खुद ऊपर जाओ और देख कर आओ। मिसेस स्लेटर कहती है, चलो हेनरी तुम मेरे साथ आओ। हेनरी डरा हुआ पीछे हट जाता है। बेन अचानक ही, सुनो, वह दरवाजे की तरफ देखते हैं। बाहर एक हल्की सी दबी हुई हंसी सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है, एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने एक घिसे हुए रंग वाला लेकिन दिखने में बढ़िया ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ है। वो बिना जूतों के ही आए हुए हैं। वैसे 70 से ज्यादा उम्र का है वो, हट्टा कट्टा और बढ़िया रंग रूप वाला है। उसकी चमकीली नटखट आंखें उसके भारी लाल भूरी आईब्रोज के नीचे चमक रही होती है। क्लियरली वो या तो दादाजी यानी कि ग्रैंडपा एबल मैरी वेदर है या तो उसका भूत है। एबल अपना हाथ बेन की तरफ बढ़ाते हुए जो चुस्ती से पीछे की तरफ हट जाता है और सोफे से दूर एक सेफ डिस्टेंस पर चला जाता है। मिसेस स्लेटर डरते हुए एबल के पास आती है। ग्रैंडपा, क्या ये तुम हो? वो उसे अपने हाथ से ये देखने के लिए ठहलती हैं कि क्या वो सॉलिड है यानी कि वो जिंदा है या नहीं, या उसका कोई भूत है। अब एबल मैरी वेदर यानी कि उसके ग्रैंडपा यानी कि मिसेस स्लेटर और जॉर्डन के पिताजी एबल फुसफुसाहट के कारण चिढ़ते हुए, ऑफ कोर्स ये मैं ही हूं, ऐसा मत करो। मिलिया, इस छिछोरेपन से भला तुम्हारा क्या मतलब है? मिसेस स्लेटर दूसरों से, वो मरे नहीं है, देखो वो मरे नहीं है। बेन, ऐसा लगता नहीं है। एबल कहता है, लेजी तुम बहुत देर से मिली नहीं हो और जब तुम आई हो तो तुम मुझे देखकर खुश नहीं लग रही हो। मिसेस जॉर्डन, पापा तुमने तो हमें डरा ही दिया था, क्या आप बिल्कुल ठीक हो? एबल उनके शब्दों को समझने की कोशिश करते हुए, अरे क्या? मिसेस जॉर्डन, क्या आप ठीक हो? एबल, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक थोड़े सिरदर्द के अलावा सब कुछ ठीक है। मैं इस बात की शर्त लगाने को तैयार हूँ कि इस घर में से कब्रिस्तान को ले जाया जाने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं होऊंगा, यानी कि यहाँ पर हम जितने भी लोग खड़े हैं उसमें से मरने वाले लोग में मैं पहला नहीं होऊंगा, इतना मैं हेल्दी हूँ अभी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो बैठा हुआ जो हेनरी है वो जरा सा भी हेल्दी नहीं है, वो पहले मरेगा। मिसेस जॉर्डन, हाँ मैंने कभी नहीं। एबल चलकर आराम कुर्सी के पास आ जाता है। हेनरी टेबल के आगे की तरफ होकर उससे दूर हट जाता है। एबल कहता है, मिलिया अरे मैंने अपने नए स्लीपरों को क्या कर दिया, उलझन में पड़ गई। मिसेस स्लेटर, दादाजी क्या वो फायरप्लेस के पास नहीं पड़े हैं? एबल ने कहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हेनरी को स्लीपर उतारने की कोशिश करते हुए, हेनरी तुमने इन्हें क्यों पहना हुआ था? एबल बोलता है। मिसेस स्लेटर तुरंत, मैंने इसे कहा कि उन्हें खोलने के लिए पहन लो, यानी कि वो छोटे हैं, तुम अपने बड़े बड़े पैर उसमें डाल लो तो वो खुल जाएंगे। वो कितने नए नए और सख्त थे, अब हेनरी उन्हें उतार दो। मिसेस स्लेटर स्लीपरों को हेनरी से छीन लेती है और उन्हें एबल को दे देती है जो इन्हें पहन लेता है और आराम कुर्सी में वो बैठ जाते हैं। मिसिस जॉर्डन बेन से कहती है, देखा मुझे ये डेलिकेट बात नहीं लगती कि इतनी जल्दी जल्दी किसी मरे हुए आदमी के जूते पहन लिए जाए। हेनरी चलकर खिड़की के पास आ जाता है और पर्दों को ऊपर उठाता है। विक्टोरिया दौड़कर एबल के पास आ जाती है और फर्श पर उसके पैरों के नजदीक बैठ जाती है। विक्टोरिया, ओ ग्रैंडपा मैं कितनी खुश हूं कि आप मरे नहीं है। मिसेस स्लेटर,
गुस्से से फुसफुसाती है, अपनी जबान पर लगान रखो, चुप रहो। एबल, ए क्या बात है, कौन मरा है? मिसेस स्लेटर बोलती है ऊंची आवाज में। विक्टोरिया कह रही है कि उसे आपके सिर की वजह से जो आपको जो सिर दर्द हो रहा था उसका दुख हो रहा है। एबल कहता है, ओह थैंक यू विकी, लेकिन मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, डोंट वरी। मिसेस स्लेटर मिसेस जॉर्डन से, वो विक्टोरिया से बहुत प्यार करते हैं देखा? मिसेस जॉर्डन मिसेस स्लेटर से कहती है, हाँ हमारे जिम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं। मिसेस स्लेटर, बेहतर होगा कि तुम उसे पूछ लो कि क्या उसने तुम्हारे जिम्मी को अपने सोने की घड़ी देने का वादा किया था। मिसेस जॉर्डन, मैं अभी पूछ नहीं सकती, मुझे इसका साहस नहीं हो रहा है। एबल कहता है, बेन तुमने अपने यानी कि तुमने मातम वाले कपड़े क्यों पहने हैं, और लिजी ने भी, और मिलिया और हेनरी और ये नन्ही विकी ने भी, कौन मर गया है? परिवार में ही कोई होगा। और वह दबी हुई हंसी में हंसता है। मिसिस स्लेटर कहता है, पापा ऐसा कोई नहीं जिसे आप जानते हो, बेन का एक रिश्तेदार है। एबल कहता है, और बेन से उसका क्या रिश्ता है? मिसिस स्लेटर कहता है, उसका भाई है। बेन कहता है मिसिस स्लेटर से, क्या बक रही हो, मेरा कभी कोई भाई नहीं है। एबल कहता है, ओ डियर बेन, उसका नाम क्या है? बेन उलझन में पड़ गया और वो टेबल के सामने की तरफ चला जाता है। मिसेस स्लेटर कहता है कहती है कि फ्रेडरिक। मिसेस स्लेटर कहती है कि फ्रेडरिक बताओ, लेकिन मिसेस जॉर्डन बताती है कि एल्बर्ट। बेन बोलता है, अर फ्रेड एब आइजेक, फ्रेड एल्ब आइजेक। टेबल कहता है, आइजेक, और तुम्हारे भाई आइजेक की डेथ कहाँ हुई? बेन कहता है, वहां ऑस्ट्रेलिया में। एबल कहता है, डियर डियर, वो तुमसे उम्र में बड़ा होगा है ना? हाँ 5 साल। एबल कहता है, अच्छा, क्या तुम उसके अंतिम संस्कार पर नहीं जा रहे हो? बेन कहता है, अरे हाँ। मिसेस स्लेटर और जॉर्डन दोनों एक साथ, नहीं। बेन कहता है, नहीं ऑफ कोर्स नॉट। वो बाई तरफ पीछे को हट जाता है। एबल उठते हुए कहता है, तो मेरे विचार में तुम लोग चाय पीना शुरू करने के लिए मेरा वेट कर रहे थे है ना, मुझे तो भूख लग रही है। मिसेस स्लेटर केतली उठाते हुए कहती है, मैं चाय बना देती हूँ पापा। एबल कहता है, अब आओ तुम लोग बैठ जाओ और हम सब अच्छी अच्छी बातें करें। एबल टेबल के सिरे की तरफ बैठ जाता है, दर्शकों की तरफ मुंह किए हुए। बेन और मिसिस जॉर्डन उसके बाईं तरफ है। विक्टोरिया एक कुर्सी ले आती है और एबल की बगल में बैठ जाती है। मिसिस स्लेटर और हेनरी दाई तरफ बैठ जाते हैं। दोनों औरतें एबल के अगल बगल बैठी हुई है। मिसिस स्लेटर, हेनरी दादा को कुछ और कचौरी दे दो। एबल कहता है, थैंक यू, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। वो खुद ही कुछ ब्रेड और मक्खन उठाता है। हेनरी कचौरी परोसता है और मिसिस स्लेटर चाय डाल देती है। सिर्फ एबल ही कुछ खुश हुआ दिख रहा है। बेन कहता है, मुझे देखकर खुशी हो रही है मिसेस मेरीवेदर, मिस्टर मेरीवेदर, कि आपको भूख लगती है, वरना आप इतने हेल्दी नहीं लग रहे हैं। एबल कहता है, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं थोड़ा लेटा हुआ था, मेरा सर दर्द था इसलिए। मिसेस स्लेटर बताती है, दादाजी आप सोए हुए थे? एबल कहता है, नहीं मैं सोया हुआ नहीं था। मिसेस स्लेटर और हेनरी, ओह। एबल कहता है, खाते पीते हुए, मुझे पूरी तरह से हर चीज याद नहीं आ रही, लेकिन मुझे याद है मैं थोड़ा सुन सा पड़ा हुआ था, जैसे मैं एक इंच भी हिला नहीं पा रहा था, यानी कि हिल नहीं पा रहा था अपना हाथ या पांव कुछ भी। बेन बोलता है, और मिस्टर मेरीवेदर, क्या तुम देख या सुन सकते थे? एबल को पूछता है वो। एबल कहता है, हाँ लेकिन मुझे याद नहीं, मैंने कोई विशेष चीज देखी नहीं थी। बेन थोड़ी राय देना। बेन थोड़ी राय पकड़ा देता है। मिसेस स्लेटर बोलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दादा, यह सब तुम्हारी कल्पना थी, तुम जरूरी सो रहे होंगे। एबल कहता है थोड़े चिड़चिड़ा होकर, मैं तुम्हें बता रहा हूं मैं सोया हुआ नहीं था मिलिया। अरे छोड़ो इतना तो मुझे पता है। मिसिस जॉर्डन, क्या तुमने हेनरी या अमेलिया को कमरे में आते हुए नहीं देखा था?
एबल ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। अब मुझे जरा सोचने दो मिसेस स्लेटर, मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहूंगी। एलिजाबेथ, उस पर दबाव मत डालो। हेनरी कहता है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहूंगा। एबल कहता है अचानक याद करते हुए, हाँ सचमुच मीलिया और हेनरी, अरे तुम्हारा क्या मतलब था मेरी अलमारी मेरे कमरे से ले जाने का? हेनरी और मिसेस स्लेटर चुप हो जाते, बिल्कुल चुप। क्या तुम सुन रहे हो हेनरी? मिलिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मिसेस जॉर्डन, कौन सी अलमारी पापा? एबल कहता है, क्यों मेरी अलमारी? वही जो मैंने खरीदी थी। अलमारी की तरफ इशारा करते हुए बता रहे हैं, वो अलमारी। मिसेस जॉर्डन, क्या ये वही अलमारी है पापा? एबल कहता है, हाँ वही है। ये यहां क्या कर रही है? ओ, थोड़ी खामोशी। मेंटल पीस के ऊपर पड़ी घड़ी में 6 बजते हैं। हर कोई उसकी तरफ देखता है। मुझे लटका देना अगर वो घड़ी भी मेरी नहीं है तो। अरे बेड़ा गर्क, इस घर में क्या हो रहा है? थोड़ी खामोशी छा जाती है। बेन बोलता है, ओह धिक्कार है। मिसेस जॉर्डन, मैं तुम्हें बताती हूँ इस घर में क्या हो रहा है पापा। डकैती हो रही है और कुछ नहीं हो रही है।